भारत पाक बंटवारे के समय पश्चिमी पाकिस्तान को छोड़कर आए रेफ्यूजी को केंद्र सरकार ने पहचान पत्र देने का आदेश दिया है, लेकिन रेफ्यूजी को पहचान पत्र देने के विरोध में घाटी के अलगाववादी गुटों ने विरोधी तेवर अपना लिए हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में बारिश और बर्फबारी के न होने से खेतों में फसल बर्बाद हो रही है। इसके अलावा बर्फ न गिरने के कारण पर्यटन स्थल भी सूने पड़े हैं। सीएम अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट आगरा लखनऊ हाईवे का काम करहल क्षेत्र में तय समय से काफी पीछे चल रहा है। 21 नवंबर को पूरा किए जाने वाला निर्माण कार्य अभी भी पूरा नहीं हुआ है। अधूरे काम से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यूपी के फरुखाबाद में किसानों से पैसे न मिलने के कारण कोल्ड स्टोरेज के मालिक आलू सड़कों पर फेंक रहे हैं। आलू के सही दाम नहीं मिलने के कारण किसान कोल्ड स्टोरेज नहीं निकाल रहे हैं। आलू फेंकने की वजह से सड़कों पर आलू का ढेर लग गया है। राजस्थान के कोटा में चाइनीज मांजा खुलेआम बिक रहा है। खतरनाक और जानलेवा चाइनीज मांजे की बिक्री को रोकने के लिए कोटा नगर निगम ने अभियान छेड़ा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में कैशलेस कार्यक्रम में चर्चा के लिए पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू नीतीश के साथ राहुल गांधी पर हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी का पूरा परिवार भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, ऐसे में राहुल गांधी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। जी मीडिया की पहल पर नालंदा में दिल की बीमारी से पीड़ित 6 साल की मासूम बच्ची की मदद के लिए लोग सामने आ रहे हैं। 6 साल की बच्ची के दिल में छेद के इलाज के लिए करीब 5-6 लाख रुपए की जरूरत है। धनबाद पुलिस ने छापा मारकर एक नकली दवा बनाने वाली कंपनी का खुलासा किया है। पुलिस ने चांदमारी इलाके में छापा मारकर एक ठिकाने से नकली दवा बनाने की मनी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। देवघर में 16वां पुस्तक मेले का उद्घाटन हो गया। पुस्तक मेला 10 दिनों तक चलेगा। पुस्तक मेले में 70 से ज्यादा प्रकाशकों ने अपनी स्टॉल लगाई है। मुंबई के पास ठाणे में एक निजी कंपनी के कंस्ट्रक्शन काम के दौरान चल रही खुदाई में फंसने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। खुदाई के दौरान मजदूरों पर अचानक ऊपर से जमीन धस गई।